हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 डेसिमल एक्सप्रेस एक्सरसाइज है 8.4। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। अब हम पहला पार्ट जो है 5 मिलीमीटर। अब हम 1 सेंटीमीटर बराबर जो है वो आता है 10 मिलीमीटर की। अब 1 मिलीमीटर जो है ये बराबर आएगा 1/10 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड हुआ होगा? तो 5 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर किसके बराबर आएगा? 5 मिलीमीटर बराबर है 1/10। 1/10, पहले हम सेंटीमीटर को 1/100 करते थे, अब 1/10, ये बराबर आ जाएगा इनटू क्या करेंगे 5। ये 5 × 1, 5/10, ये किसके बराबर आ जाएगा 5। जितने जीरो आएंगे इतने ही डिजिट हमने लिखने हैं, ऊपर एक ही है तो यहाँ इशारिया लगाएंगे, ये जीरो आंसर। बी पार्ट जो है 60 मिलीमीटर, ये 60 मिलीमीटर बराबर किसके है? 1/10 × 60, ये आ गया 60/10, ये किसके बराबर आ गया 2, एक ही आएगा, 0.10 है, इतने ही के बाद पॉइंट आएगा, आगे 6 है। सी पार्ट जो है, सी पार्ट 164 मिली, ये बराबर आएगा 164 मिलीमीटर बराबर आएगा 1/10 × 164, 164/10, ये किसके बराबर आएगा? ये एक जीरो है, ये 4 लगाएंगे, उसके बाद एक ही जीरो है, इसके बाद हम इशारिया लगा देंगे, आगे 6, 1 इसी तरह आएगा। अब डी पार्ट जो है, डी पार्ट 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। तो अब आएगा, पहले हम इसको करेंगे, इसको छोड़ देंगे, 8 मिलीमीटर बराबर है 1/10 × 8, ये आएगा 8/10, ये किसके बराबर आएगा? एक जीरो है, 8, इशारिया इधर लगेगा 0। अब इसको ऐड करेंगे 9, पॉइंट इसको इधर लगाएंगे, पॉइंट बराबर 0, 8, इसको ऐड करेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, प्लस 8, 9, ये इसका आंसर है। एफ पार्ट जो है, एफ पार्ट, ई पार्ट पहले हम करेंगे, ई 6 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर, इसको हम छोड़ेंगे, इसको करेंगे 7 मिलीमीटर, ये बराबर है 1/10 × 7, ये आएगा 7 × 1, 7/10, ये किसके बराबर आएगा? एक के बाद इशारिया, 0.7, इसके साथ क्या ऐड करेंगे? 6, इसके साथ कोई पॉइंट नहीं है, यहां हम लगाएंगे तो इसी तरह 0.7, इधर 0 लिख देंगे, इसको हम ऐड करेंगे, 7, 6, इसका आंसर है। अब एफ पार्ट जो है 93 मिलीमीटर, ये आ जाएगा 93 मिलीमीटर बराबर आ जाएगा 1/10 × 93, यह आ जाएगा 93 × 1, 93/10, यह आ जाएगा 10 है 3, ये। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे।